विद्युत वितरण खंड जागीर क्षेत्र के गांव हवेलिया में 5 दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित है। गांव के समीप लगा ट्रांसफार्मर जल गया। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण बेहाल हैं। बिजली ना होने के कारण गांव में लगे नलकूप एवं घरेलू उपकरण नहीं चल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने समस्या की शिकायत क्षेत्रीय लाइनमैन सुनील कुमार एवं अवर अभियंता हरवीर सिंह से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता से मांग की है विभागीय अधिकारियों को आदेशित कर खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाया जाए, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। मांग करने वालों में राम खिलाड़ी पांडे, प्रमोद कुमार, अखिलेश पांडे, सत्यपाल लाला पांडे, अनुज कुमार, हेत राम बाथम, राजेंद्र शर्मा, राम प्रकाश, अनिल कुमार आदि मौजूद थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सत्यपाल सिंह। कहाँ रहते हो आप? बड़ी हवेलिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, कभी लाइट इतनी जोर से आती है तो खराब है, और कभी बिल्कुल नील आ जाती है, कभी आती ही नहीं है। तो इस चीज़ की शिकायत की आपने कहीं? इस चीज़ की शिकायत लाइनमैन से कही है और एक दो बार जेल से भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं चाहे तो ट्रांसफार्मर बदले या इसे सही किया जाए, लाइट चालू रहे।